पैरों में भी खड़े हैं, कोई पैरों में खड़े हैं, हाथ में हैं, ये हैं, फिर ये इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, ये एक एक सिंबल है जो आपको अंदर से दर्शाता है कि मैं चाहे कभी कभी अच्छी बातें भी करता हुआ नजर आऊं, लेकिन इससे याद रहे और इसके अंदर की भावना जो हमेशा माथे पे, बोलते ना कि तेरे तो माथे पे दिखता है कि तेरे फेस पे लिखा है कि क्या क्या तू चाह रहा है, तो इट्स लाइक कि ये आपका सिंबल है, आपको दर्शाता है कि अंदर कितना कालापन और अंदर कितना वो खून छुपा है कि मैं तो बस इसकी बैंड बजा दूँ। जी, ये करीबन 12 से 15 किलो है, तो मैं बड़े मस्ती में जो आपको दिख रहा हूँ क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुई कि मैंने बताया, क्योंकि हर आदमी जो है वो सफ़ेद और काला अंदर से होता है, तो सिर्फ आपको वो लाइनें चाहिए होती हैं और आपको सिर्फ फील करना होता है, वो कालापन जो है आपके फेस पर, आपकी बॉडी में, आपके जेस्चर्स में अपने आप आ जाता है, फिर आपको ज़्यादा, हाँ, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डेफिनेटली वो बाहर आएगा, वो स्माइल भी आएगी, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है कि हमेशा वो पॉजिटिव सेकेंड्स के लिए लग सकता है बट पॉजिटिव लगे नहीं, वो एक्चुअली काला आदमी है तो नेगेटिव ही लगे, तो उस स्माइल को स्मर्क में शिफ्ट करना है। जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें कृष्ण की कहानी कृष्ण से पहले ही शुरू कर रहे हैं कि जब देवकी और वासुदेव मिले थे और क्या हुआ था और किन सर्कमस्टांसिस में कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो शायद वो एक पहलू है जो कभी किसी शो में नहीं दिखाया गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत अलग है। 19th को बहुत एक्साइटेड है, हम तो इनफैक्ट बैठ के दिन गिन रहे हैं, अच्छा अच्छा अब इतने दिन बचे हैं, अच्छा इतने दिन बचे हैं, आज हम 13 तारीख आज इसको लेके भी बहुत एक्साइटेड थे, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े कैनवस पे कर रहे हैं, तो एक्साइटेड तो सब बहुत है। कॉस्ट्यूम जैसा आप देख रहे हैं कि कॉस्ट्यूम से बहुत अच्छे लाइट हैं कॉस्ट्यूम, आगे भी मेरे कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, बेड़ियाँ हैं पर हल्की हैं, मतलब असली लोहे वाली बेड़ियाँ नहीं है, ऐसे जुट वाली बेड़ियाँ हैं, बट हम अच्छे भरपूर एक्टिंग करते हैं उसको दिखाने की कि हम बहुत जकड़े हुए हैं और अकड़े हुए हैं उसमें। लुक और कॉस्ट्यूम और उस सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है देवकी के कैरेक्टर में घुस के उसको वो इमोट करना, तो वो ज़्यादा मुश्किल रहा, बाकी सब तो हो ही जाता है। इसके लिए प्रेपरेशन तो काफ़ी किया, इसके लिए खासतौर पे हिंदी और भाषा और काफ़ी प्रेपरेशन था, आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट, मुझे राइटर्स के साथ डिस्कशंस, डायरेक्टर के साथ डिस्कशंस, बहुत कुछ हुआ बिकॉज देवकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी लेयर्स हैं कि 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे मार रहे हैं, तो आप हर बच्चे पे एक तरह से नहीं रो सकते ना, हर बार आप एक इमोशन नहीं इमोट कर सकते, उसकी इतनी लेयर्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल है, वो मैं अभी भी इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ, अब आई होप कि सबको देख के लगे कि मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। रियल में आपको तो स्माइली फेस, लेकिन जो मेन जो देती कैरेक्टर आपका वो बहुत रोने वाला जैसा है, हाँ, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इस वजह से मेरा जैसे ही पैकअप ख़त्म होता है सबको पता होता है सेट पे कि मैडम वो आधा घंटा सिर्फ हंसने वाली है, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ पूरा दिन रो रो के, हम भले ही एक्टिंग कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा मुझ पर हावी ना हो, अदरवाइज मैं तो डिप्रेस हो जाऊँगी इतना रो रो के। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो एक्टर, हम तो डाइट घास फूस के अलावा और क्या खा सकते हैं बताओ, हमको तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पेट ना दिख जाए, कहीं फेस बड़ा ना दिखे, कहीं कुछ ना हो, हमारे तो पीछे इतनी अच्छी डेयरी है भजन डाल की, हम महत्व उसको देख के दूर से हाई करके निकल जाते, कुछ नहीं कर पाते।
एक्टर को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक्टर को खाने पीने में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक्टर को आप कहाँ हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके बात करने का टोन अच्छा है कि नहीं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है कि नहीं, भाषा अच्छी है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। कभी कभी होता है कि आप नहीं अच्छे मूड में, आप परेशान हैं, आपका सर दुख रहा है, बट आप एक आम आदमी जो है ये बोल के उससे निकल सकता है कि नहीं मेरा सर दुख रहा है, मुझे परेशान मत करो। मैं अगर ये गलती से बात कर दूंगी, अगर ये कोई और एक्टर बोल देगा तो इस बात का बवाल हो जाएगा कि हाय हाय देखो वो तो ऐसी एरोगेंट है, वो तो बात नहीं करती ठीक से। तो ये सारी चीज़ों का कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, उसको साइड में रख के एक चीज़ एक हर किसी के लिए प्रेजेंट रहना और प्रेजेंटेबल रहना, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। मैं हूँ कृष्ण और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपसे मिलने। मजे कर रहे हैं सेट पे आप? बहुत मजे कर रहा हूँ। क्या-क्या खा रहे हैं सेट पे? मक्खन, आइसक्रीम, बहुत सारी चीजें। तो पसंद है आइसक्रीम? आइसक्रीम बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा गुनगुन दीदी के साथ। सबसे ज्यादा डरते किससे हो? किससे डरते हो? कृष्णा किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं डरता। शूटिंग कितना अच्छा लगता है तुम्हें ज्यादा देखा जाता है डायलॉग्स? हाँ, डायलॉग्स याद करते हो? कितनी मुश्किल होती है डायलॉग्स याद करने में? कितनी भी मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। ये फर्स्ट टाइम आप कैरेक्टर निभा रही हैं, इससे पहले भी आपने कुछ किया था? या मैंने पहले भी सबसे बड़े कलाकार में आया हूँ मैं। ओह, मतलब एक्टिंग आपका शौक है? हाँ। अच्छा, तो कृष्णा का एक डायलॉग बोल के दिखाओ। मैया, मैंने माखन नहीं खाया मैया, अगर मैंने माखन खाया होता तो मेरे मुख पे माखन लगा होता मैया। भैया ये सारी गोपिकाएं मेरी दुश्मन हो गई है, अभी तो इन्होंने मेरे हाथों में माखन लगा दिया है मैया। बांसुरी बजाने आती है आपको? थैंक यू। सबको थैंक यू बोलो। वेलकम। बेबी को बोलो थैंक यू बोलना है। थैंक यू। ऐसे बांसुरी ऐसे पकड़ो, होल्ड इट ऐसे। मुझे आपकी ऑफकोर्स एक्साइटमेंट है, नया शो है, लॉन्च है, तो सबको एक अलग तरह की, जैसे हम कुछ भी नया करते हैं तो ऑफकोर्स उसकी एक्साइटमेंट होती है। जी जी, ये बहुत अलग है, काफ़ी अलग है, जिन कैरेक्टर्स को मैंने प्ले किया हुआ है उससे काफ़ी अलग है और बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जब हम कोई अवतार का कैरेक्टर करते हैं वो अलग होता है, पर जब एक भगवान को खुद आपको पोर्ट्रे करना होता है, आई थिंक यू हैव टू फील दैट विद इन, तभी आप दूसरे को भी बिलीव करवा पाएंगे कि आप भगवान प्ले कर रहे हैं।
आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी जी, ये बाकी सीरियल्स शूट करने से काफ़ी मुश्किल है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और पूरा शॉट ओके करने के बाद एक हल्की सी गलती की वजह से एक कपड़ा इधर से उधर होता है और शॉर्टकट हो जाता है।